सो वी आर बैक विद अनदर चैट जीपीटी वीडियो। इससे पहले हमने चैट जीपीटी के ऊपर टॉप 10 इंडियन प्लेयर्स को लेकर एक वीडियो बनाया है, ये वाला इस वीडियो के बाद में जाके चेक कीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी से टॉप 10 इंडियन क्लब के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो चैट जीपीटी के सिलेक्शन पर ही बनाया जा रहा है, इसके पीछे हमारा कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं है। सो चैट जीपीटी के सिलेक्शन पर ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो मैं हूं आपका होस्ट अंकन, एंड लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये चैट जीपीटी के रैंकिंग में सभी के सभी आईएसएल क्लब से किसी भी आई लीग के क्लब को चैट जीपीटी ने पिक नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, उसका रीजन तो चैट जीपीटी ही जानता है। आई लीग के क्लब जैसे चार्चिल ब्रदर, मोहम्मदन, इवन गोकुलम केरला एफसी, और इसके साथ साथ कुछ क्लब जो पहले आई लीग में खेलते थे फिलहाल स्टेट लीग में है, जैसे डेम्पो सालगांवकर, जैसे और भी क्लब्स के नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसका आंसर तो वन एंड ओनली चैट जीपीटी ही जानता है। तो चैट जीपीटी को हमने जो पूछा और चैट जीपीटी ने जो आंसर दिया, हम उसको ही इस वीडियो में दिखाएंगे। सो नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 भी है उड़ीसा एफसी। अब कैसे है, क्यों है, नो क्वेश्चन है तो है। तो नंबर 10 पे उड़ीसा एफसी है। उड़ीसा एफसी ने रिसेंट 2023 में सुपर कप को जीता है, और ये उड़ीसा एफसी के हिस्ट्री में फर्स्ट ट्रॉफी है। एंड नाउ नंबर 9 पे है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये क्लब या फिर आप फ्रेंचाइजीज भी बोल सकते हो, तो जब से ये क्लब्स या फ्रेंचाइजी इस्टेब्लिश हुआ है तब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मेन टीम कोई भी ट्रॉफी नहीं जीता के, पर फिर भी इस लिस्ट में नाम है। इसके अलावा अगर शिलांग लाजोंग, आइजोल एफसी, जिनके पास अचीवमेंट्स है, उनका नाम क्यों नहीं है, ये तो चैट जीपीटी ही बोल सकता है। सो आप आते हैं नंबर 8 पे, और नंबर 8 पे है जमशेदपुर एफसी। जमशेदपुर एफसी ने अभी तक एक ही ट्रॉफी जीत सका है, और वो है 2021-22 सीजन के आईएसएल शील्ड। तब से अभी तक जमशेदपुर एफसी ने उतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, स्पेशली वेन कोयल की वजह से ही उन्होंने उस ट्रॉफी को जीता था, और जब से वेन कोयल उनको छोड़ के गए है तब से उनका फॉर्म भी जा चुका है। एंड नंबर 7 पे है ईस्ट बंगाल एफसी। आप देखो, ईस्ट बंगाल का एक लार्ज हिस्ट्री है इंडियन फुटबॉल में, और ईस्ट बंगाल में कई सारे ट्रॉफीज जीता है अपने पूरे हिस्ट्री में, जिनमें से है नेशनल फुटबॉल लीग जो आई लीग से पहले इंडिया का टॉप टायर लीग होता था, तो उसको ईस्ट बंगाल ने 3 बार जीता है। फेडरेशन कप को 8 बार, इंडियन सुपर कप को 3 बार, डुरान कप को 16 बार, CFL को 39 टाइम, ये रिकॉर्ड है। इसके साथ रिवर्स कप 10 टाइम और IFL 29 टाइम्स जीता है। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट एशियन क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी जीता था। सो आ जाते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पे है मुंबई सिटी एफसी। अब मुंबई सिटी एफसी रिसेंट कुछ सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइक 2020-21 सीजन में आईएसएल के लीग शील्ड, इसके साथ साथ आईएसएल ट्रॉफी भी जीता था, और इसके बाद लास्ट सीजन आईएसएल शील्ड फिर से जीता है, और लास्ट ईयर डुरान कप के फाइनल में भी पहुंचा था मुंबई सिटी एफसी। तो बेसिकली सिटी ग्रुप मुंबई सिटी एफसी को टेक ओवर करने के बाद से ही मुंबई सिटी एफसी का एक के बाद एक अचीवमेंट्स आ रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में और भी कई सारे अचीवमेंट्स हमें मुंबई एफसी से इंडियन फुटबॉल में दिखाई दे। अब आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है चेन्नई एफसी। जैसे कि क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग के पास इतना सारा ट्रॉफी है, बट चेन्नई एफसी के पास सिर्फ 2 ही आईएसएल ट्रॉफी है, 2015 एंड 2017-18 सीजन में। अब तक चेन्नई एफसी यही 2 ट्रॉफी को ही जीत सका है, और इसके साथ साथ 2019-20 सीजन में चेन्नई एफसी आईएसएल के फाइनल में भी पहुंचा था, बट फाइनल में ATK से हार गया था चेन्नई एफसी। एंड नाउ आते हैं नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे है एफसी गोवा। अब एफसी गोवा ने 3 मेजर टाइटल जीता है अपने पूरे एस्टैब्लिश के बाद से अभी तक। उनमें से है 2019-20 सीजन में आईएसएल शील्ड, इसके बाद 2019 में सुपर कप भी जीता था एफसी गोवा ने, एंड देन 2021 में डुरान कप भी जीता था एफसी गोवा ने। अब नंबर 3 पे आते हैं, और नंबर 3 पे है मोहन बागान। अब देखो, मोहन बागान का भी ईस्ट बंगाल के जैसा एक लार्ज हिस्ट्री है, तो मोहन बागान के अचीवमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली लास्ट सीजन मोहन बागान ने अपने फर्स्ट आईएसएल ट्रॉफी को जीता है, और इसके साथ साथ मोहन बागान के पास है NFL और आई लीग
मिलाकर टोटल 5 टाइटल्स, फेडरेशन कप 14 है, डूरन कप मोहन बगान ने 16 टाइम्स जीता है, आईएफएशील 20 टाइम्स, इंडियन सुपर कप 2 बार, रोबर्स कप 14 टाइम्स एंड सीएफएल कलकत्ता फुटबॉल लीग 30 टाइम्स जीता है मोहन बगान ने। अब नंबर 2 में ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, नंबर 2 पे है केरला ब्लास्टर एफसी। केरला ब्लास्टर एफसी जब से एस्टैब्लिश हुआ है तब से अभी तक कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। हालांकि 2 बार आईएसएल के फाइनल में पहुंचा है केरला ब्लास्टर एफसी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 बार ही फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है केरला ब्लास्टर एफसी को। एंड आई थिंक फैन बेस के रीजन से ही केरला ब्लास्टर एफसी सेकेंड पोजिशन पे। तो इसको छोड़ के हम आ जाते हैं नंबर 1 पोजिशन पे। तो अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी इंडिया के टॉप क्लब है बेंगलुरु एफसी। अब ये क्यों है, कैसे है, इसका रीजन तो चैट जीपीटी को ही मालूम है। सो ये नहीं है कि बेंगलुरु एफसी के पास कोई भी अचीवमेंट्स नहीं है, बेंगलुरु एफसी के पास भी है। बेंगलुरु एफसी ने 2 बार आई लीग जीता है और 1 बार आईएसएल जीता है, इसके साथ साथ 1 सुपर कप, 1 डूरन कप जो उन्होंने लास्ट ईयर 2022 में ही जीता है, एंड इसके साथ भी 2 फेडरेशन कप भी जीता है बेंगलुरु एफसी ने। तो 10 इयर्स के अंदर ही बेंगलुरु एफसी ने लगभग सभी इंडिया के मेजर फुटबॉल कॉम्पिटिशन को जीत लिया है। सो ये था चैट जीपीटी का टॉप 10 इंडियन क्लब्स। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, उसके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। तो कमेंट में आप अपने टॉप 10 इंडियन क्लब्स कौन कौन है उसका नाम लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ हमें सभी सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। अगर गाली देना है तो उसमें जाके भी दे सकते हैं, बट फॉलो करके। और अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। और नीचे इंडियन फुटबॉल रिलेटेड आपको और भी कई सारे वीडियो सजेस्ट कर रहा होगा, उन वीडियोस को देखिए। एचजीबीटी के ऊपर हमने पहले जो वीडियो बनाया है इंडियन टॉप 10 फुटबॉलर्स, उसको भी चेक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।